तो गाइस आज हमारा माइनक्राफ्ट यहाँ पर कास्ट हो चुका है, यानी कि गाइस हमारे माइनक्राफ्ट की गाइस यहाँ पर टेक्सचर पूरे के पूरे यहाँ पर बदल चुके हैं। लाइक आप लोग देख सकते हो डार्क अप लोग यहाँ पर कैसा हो चुका है ना। आप लोग ये देखो गाइस हमारी वुड यहाँ पर कैसी हो चुकी है, पूरी क्राफ्टिंग टेबल के स्टाइल में हो चुकी है। और अगर हम लोग और चीज़ देखें तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वाटर हमारे यहाँ पर कैसे टेक्सचर का हो चुका है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर वाटर। और वेट गाइस ये क्या है, ओके गाइस यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर पानी के अंदर लावा देखने में मिला। वेट अभी हम लोग अंदर जाके देखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर सही में ये लावा ही है। ये क्या है? और गाइस यहाँ पर ये देखो गाइस ये वाले यार कौन सी वाले टेक्सचर है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और गाइस यहाँ पर आप लोग देखते हो तो एकदम अलग टाइप का यहाँ पर वाटर हो चुका है। और अगर हम लोग यहाँ पर लावा वाले को पास से आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पर गाइस हम लोग को डोर भी मिलेगा एंड यहाँ पर केक भी यहाँ पर हम लोग को मिलेगा एंड यहाँ पर लावा भी मिलेगा, यानी कि गाइस हम लोग को तीनों चीज़ यहाँ पर कंबाइन करके मिलेगी। और वेट गाइस ये क्या है भाई, ये मेरे सबसे गाइस यहाँ पर आधा पेड़ यहाँ पर किसी ने लगा दिया एंड यहाँ पर गाइस हम लोग को ओक वुड यहाँ पर नीचे देखने मिले, मेरे सबसे गाइस ये कैल्प हो सकता है। और इसके पीछे साइड यहाँ पर कुछ तो है गाइस, मेरे सबसे गाइस ये ग्रेवल है या फिर सैंड है। देन गाइस ये वाला देखो अपना मशरूम का पेड़ यहाँ पर कैसा हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर नीचे ये देखो गाइस यहाँ पर आप लोग को डेंडर लाइन देखने मिलेगा और ऊपर गाइस कमांड ब्लॉक भी है। और मेरे सबसे गाइस ये वार्डन वाले स्कल्क ब्लॉक है। फिर अपने पास गाइस कुछ विचित्र विचित्र यहाँ पर चीजें, लाइक अपने पास पहले व्हाइट स्टेन वाले ग्लास में मेरे सबसे गाइस ये व्हाइट यहाँ पर लिखा गया, लेकिन गाइस ये तो पूरे के पूरे यहाँ पर ब्लैक हम लोग को देखने मिलने वाले हैं। ये तो आगे से भी है, यहाँ पर पीछे से भी हम लोग को शायद से दिखने मिलने वाले, पीछे से भी है। देन गाइस अपने पास अपनों को यहाँ पर स्कल फोल्डिंग यहाँ पर देखने मिलने वाले, लाइक ये तो यार बहुत ज्यादा अच्छा होता है दिखने में, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर इसको डार्क ब्लू बना दिया गया है। फिर अपने पास गाइस स्टोन के ब्रिक्स जो कि गाइस एकदम यहाँ पर एकदम रेल की पटरी हो जैसे यहाँ पर दिख रही है, तो गाइस मेरे सबसे पावर रेल का यहाँ पर टेक्सचर है। फिर ये गाइस लाइट ग्रे वाला कार्पेट, और ये तो गाइस मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है बिकॉज गाइस यहाँ पर मेरे सबसे बीट रूट यहाँ पर लगाया गया जो कि यहाँ पर खाने की चीज होती है, मेरे सबसे यार खाने की चीज के ऊपर हम लोग यहाँ पर पैर नहीं रखना चाहिए। एंड ये गाइस हमारे पास यहाँ पर बीकन हम लोग को देखने मिलने वाला जो कि गाइस एकदम सबसे नॉर्मल तरीके से यहाँ पर बनाया गया, लेकिन गाइस इसकी जो अंदर वाली चीज है वो बहुत ज्यादा रोशनी फैला रही है। यार एनविल एकदम अजीब तरीके का यहाँ पर बना दिया गया, लाइक ऊपर हम लोग को यहाँ पर फूल देखने मिलने वाला, मुझे नहीं पता ये वाला कौन सा वाला फूल है, मेरे सबसे ट्यूलिप हो सकता है। एंड गाइस आजू बाजू मेरे सबसे केक लगाए गए हैं। देन गाइस अपना ऑब्सिडियन यहाँ पे एकदम अजीब तरीके यहाँ पर कर दिया गया, मेरे सबसे गाइस ये स्ट्रक्चर वाला ब्लॉक होता है चूंकि गाइस बहुत ज्यादा अच्छा होता है दिखने में भी, मेरे सबसे दिखने में थोड़ा बहुत अच्छा है। और गाइस ये हम लोग इसको यहाँ पर कमांड से ही ले सकते हैं। अब गाइस अपने पास ब्राउन वाली कारपेट जो कि गाइस अच्छी तो है, लेकिन गाइस ये तो हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर पावर रेल दिखने वाली है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर रेल की यहाँ पर जरूरत ही नहीं, हम लोग यहाँ पर पावर रेल लगा सकते हो अभी सिर्फ दिखाने के लिए। फिर गाइस अपने पास ब्राउन कॉन्क्रीट पाउडर, ये देखो हमारे हम लोग को यहाँ पर एकदम लाइटनिंग वाला फर्नेंस यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, यानी कि हम लोग फर्नेंस के अंदर यहाँ पर कुछ जला रहे लेकिन ये फर्नेंस नहीं है। अब गाइस हम लोग यहाँ पर ब्लॉक यहाँ पर चेक करने वाले अलग अलग टाइप के, लग अपने पास यहाँ पर स्लाइम वाला ब्लॉक जो कि एकदम दिखने में हम लोग को स्लाइम ब्लॉक यहाँ पर दिखेगा, मेरे सबसे गाइस यहाँ पर हम लोग को मेरे को एक क्यूआर कोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस मेरे सबसे क्यूआर कोड नहीं है, ये स्लाइम ब्लॉक ही है। तो अपने पास है गाइस अभी ब्लॉक ऑफ कोल जो कि मेरे सबसे डर्ट की यहाँ पर एक वैरायटी होती है, उसका यहाँ पर इसको टेक्सचर दिया गया है। मेरे सबसे डर्ट की वैरायटी अपने को यहाँ पर मड वाली साइड पर यहाँ पर देखने मिलती है या फिर कैसे हम लोग को विच वाली साइड देखने मिलती है। फिर कैसे अपने पास है लैपिस लजूली वाला ब्लॉक जो कि मेरे सबसे यहाँ पर ग्रीन कॉन्क्रीट ब्लॉक यहाँ पर बना दिया गया, उसका टेक्सचर यहाँ पर दिया गया। और किसी सही बताओ तो लैपिस लजूली दिख ही नहीं रहा है। अब अपने पास है गाइस ब्लॉक ऑफ रेड स्टोन जो कि गाइस यहाँ पर ग्रे वाला कॉन्क्रीट यहाँ पर बना दिया गया, और सही बता दो गाइस हम लोग यहाँ पर माइनिंग कर ही नहीं सकते बिकॉज गाइस यहाँ पर कोई भी ब्लॉक एक जैसा नहीं दिखता। नाउ गाइस यहाँ पर सबसे बुरी चीज, यानी कि गाइस ब्लॉक ऑफ गोल्ड का यहाँ पर सबसे बुरी चीज यहाँ पर बना दिया गया, मेरे सबसे गाइस क्या है मुझे ये बात नहीं पता, ये कौन सा ब्लॉक है वो भी मुझे यहाँ पर नहीं पता। सही बता दो यहाँ पर गोल्ड एक ही चीज के काम आता है यार, डिजाइन करने में, सजावटी करने में, अच्छा दिखने के लिए गाइस हमारे घर को अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर गोल्ड का यूज करते हैं, यहाँ पर गोल्ड को यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया। तो अब अपने पास यहाँ पर ब्लॉक ऑफ आयरन जिसको यहाँ पर गाइस यहाँ पर वुड का यहाँ पर टेक्सचर दे देगा, वो भी गाइस मेरे सबसे स्ट्रिप्ट वाला वुड है ये। और गाइस अपने पास यहाँ पर काव वाला पंपकिन भी जो जिसको यहाँ पर क्या बना दिया गया, मेरे सबसे यहाँ पर ये ड्राइड कैल्प यहाँ पर लगा दी गई है, यहाँ पर गाइस यहाँ पर स्नो का ब्लॉक लगाया गया है, लेकिन मुझे ये देखने की अपना आयरन गोलम यहाँ पर कैसा बनता है। अब आप लोग यहाँ पर आयरन गोलम को बनाते हैं, मेरे सबसे कुछ यहाँ पर आयरन गोलम का यहाँ पर कुछ भी टेक्सचर नहीं बदला। अब अपने पास गाइस ब्लॉक ऑफ एमराल्ड जो कि गाइस मेरे सबसे दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, गाइस मेरी पर्सनल ओपिनियन की सबसे गाइस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन गाइस इसको यहाँ पर स्प्रूस के पेड़ का गाइस यहाँ पर टेक्सचर दे दिया गया है। और लास्टली गाइस मुझे यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है ब्लॉक ऑफ डायमंड के लिए बिकॉज इसको यहाँ पर बना चुके हैं येलो वूल, एंड ये मुझे यहाँ पर कहीं से भी डायमंड ब्लॉक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि गाइस यहाँ पर डायमंड ब्लॉक यार एकदम बहुत ज्यादा अलग तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर एक और एक बात है, अगर मैं यहाँ पर किसी को यहाँ पर डायमंड ब्लॉक देना चाहूँ उसको बोलूँ कि ये रहा डायमंड ब्लॉक, तो यार मुझे यहाँ पर एकदम चप्पल फेंक के मारना चालू कर देगा वो बंदा। तो अब हम लोग जाते हैं नेदर के अंदर, अभी हम लोग देखते हैं कि नेदर के अंदर यहाँ पर कैसे यहाँ पर टेक्सचर बदल दिया गया है। अभी हम लोग फ्लिंट स्टोन से यहाँ पर अभी आप लोग इग्नाइट कर देते हैं, यहाँ पर देखो यार अभी एकदम वाटर का यहाँ पर टेक्सचर इसको दे दिया गया, इसका मतलब कि वाटर यहाँ पर अपना नेदर पोर्टल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके गाइस यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर पीछे के बैकग्राउंड के अंदर यार एकदम हैमर वाला यहाँ पर टेक्सचर आ रहा है, और गाइस जो वो हैमर वाला टेक्सचर था वो तो गाइस मैंने सबसे यहाँ पर नेदर रैक है जो कि गाइस एकदम अलग तरीका है। ओके गाइस यहाँ पर फायर को देखो यहाँ पर लावा का यहाँ पर टेक्सचर दिया गया है, और अगर मैं यहाँ पर बाहर आ चुका हूँ आप लोग देख सकते हो कि नीचे लावा को यहाँ पर कैसा टेक्सचर यहाँ पर दे देगा। और अगर सही बताओ तो कैसे मेरा फायर को यहाँ पर लावा का टेक्सचर दिया गया, यहाँ पर ये देखो मेरे सबसे बैठ कर यहाँ पर टेक्सचर दिया गया, इसका मतलब कि कैसे यहाँ पर लावा को एकदम अजीब टेक्सचर दिया गया है। वेट गाइस ये क्या है भाई, ये तो मेरे सबसे मेलन है, कैसे यहाँ पर मेलन को किसका टेक्सचर दिया, ओके यहाँ पर लावा को ही मेलन का टेक्सचर दिया गया है।
तो अब हम लोग जाते हैं एंड पोर्टल के अंदर, यानी कि अपने एंड के अंदर। अभी हम लोग जाकर देखते हैं यहाँ पर कैसा होने वाला है। यहाँ पर टेक्सचर तो बदल गया है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर मेरे सबसे ब्लू कोरल है। और हम लोग कैसे यहाँ पर एंड के अंदर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कोरल कैसे यहाँ पर एंड स्टोन को यहाँ पर रिप्लेस कर चुका है। एंड कैसे हम लोग का ऑब्सीडियन तो हम लोग ने यहाँ पर देख लिया था यार। एंडर ड्रैगन अपने माइनक्राफ्ट को यहाँ पर क्या हो चुका है, ये बेचारे भी यहाँ पर परेशान है कि अपना एंड स्टोन यहाँ पर बदल के ये क्या आ चुका है भाई यहाँ पर। तो लिटरली गाइस मैं भी यहाँ पर परेशान हूँ, अपने एंडर ड्रैगन भी यहाँ पर परेशान है कि यहाँ पर यार अपने एंड को यहाँ पर क्या हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बेडरॉक को यहाँ पर व्हाइट बना दिया गया है और एंडर ड्रैगन तो यहाँ पर एकदम पागल हो चुका है ना, यहाँ पर उड़ भी रहा है। और आप लोगों को यार ये कर्स्ड माइनक्राफ्ट यहाँ पर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और गाइस पर्सनली माय ओपिनियन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइस यहाँ पर मुझे कर्स्ड माइनक्राफ्ट बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर सर्वाइवल सीरीज तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वन। हास्टा ला विस्टा।